शिवपाल का श्राप, क्या योगी सरकार पर करेगा वार? नाम का विरोध करेगा वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। बीजेपी का होगा सर्वनाश, जनता है परेशान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। तो भैया, चाचा शिवपाल यादव ने दशहरे पर बीजेपी सरकार को श्राप दे डाला। दरअसल हुआ यूं कि इटावा जिले के जसवंत नगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला में मुख्य अतिथि के तौर पर जसवंत नगर विधायक और सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। रामलीला समिति ने शिवपाल सिंह यादव का भव्य तरीके से स्वागत किया और सम्मान किया। वहीं इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। रामलीला के मंच से ही भाजपा सरकार को श्राप देते हुए कहा कि भाजपा सरकार का सर्वनाश हो। शिवपाल ने कहा कि जनता विरोधी एवं राम विरोधी सरकार का सर्वनाश होना बेहद जरूरी है। जिनमें बुराइयां एवं कमियां हो उनका नाश होना बेहद जरूरी है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रास्ते पर चले, जो सबके कल्याण के लिए काम करे, उसे गद्दी पर बैठाना चाहिए। कुछ ढोंगी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं, झूठ बोलकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। भगवान राम का विरोध करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। ये सभी बोल शिवपाल चाचा के। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इन बेईमान लोगों को हटाकर सरकार बना लो और जिन लोगों ने परेशान किया है सबसे बदला ले लिया जाएगा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह ने कहा कि आज जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। बिजली कटौती, बिजली विभाग के छापों से भी जनता इस वक्त जूझ रही है। तो जनता से वसूली हो रही है, झूठी रिपोर्ट लिखी जा रही है। गरीब इंसान कैसे जी रहा है, कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। ये समाज में जो बुराइयां फैली हुई है ये खत्म होनी चाहिए। तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी खामियां हैं, वो सब समस्या को खत्म करना चाहिए। तो शिवपाल यादव का जो श्राप है, जो योगी सरकार को श्राप दिया है, तो क्या वो असर करेगा? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या सच में जनता जो है योगी सरकार से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।